मैडम जल्दी से पकड़ो। अबे लड़के रुक, मैडम आप जानती हो उसे, रुक। पैसे लेकर भागा है ना मेरे? कौन से पैसे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। मैडम आप जानती हो उसे? वो नहीं, मैं तो नहीं जानती इन्हें। चुपचाप चुपचाप, पैसे कहाँ है मेरे जो लेकर भागा था? अरे नहीं है पैसे, चेक कर लो। झूठ बोल रहा है, चेक करके देख लो ना। देख चुपचाप बता दे मेरे पैसे कहाँ है। मुझे नहीं पता, नहीं है मेरे पास। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा ना। चलिए बता कहाँ है पैसे। तो आपने चेकिंग भी कर ली, लड़की की चेकिंग कर लो चाहे, अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे साथ मिली हुई है। लड़की की भी तलाश ही तो लूंगा ही मैं। ये लड़की चल पीछे घूम। अरे आप मुझे क्यों चेक कर रहे हैं? मैं उसको नहीं जानती, कितनी बार कहूँ। बोला ना तेरे से, पीछे घूम। अबे यार इसके पास तो कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को। कुछ भी नहीं है, देखिए ना आप फालतू में मुझ पर शक कर रहे हैं। अब मैं किस सड़क पर खड़ी भी नहीं हो सकती। देखिए वो मुजरिम था, भाग गया और आप मुझ पर शक करते रह गए। इतने सारे पैसे, मुझे लगा इसमें पीने का कुछ होगा। इसमें तो एक पर्ची भी है, क्या लिखा है इसमें? अरे इसमें तो कोई एड्रेस लिखा है। एक काम करती हूँ, इसी एड्रेस पर जाती हूँ। अरे अच्छे से दबाओ ना यार। अरे कौन है, आ जाओ। शिट पापा, मुंह की छुपा रही हो, क्या हो गया? आप पहले इनको अंदर भेजिए ना। नौकर को भेजू क्यों, क्या हो गया? आप मेरी बात मानिए, इनको अंदर भेजिए। साहब आपने बोला ना पांव दबाने के लिए, पांव दबा रहा हूँ। अरे यार अब बोल दिया काम करने के लिए, समझ नहीं आता, जाना। साहब इस लड़की को कहीं देखा देखा लग रहा है, इसको देखा है कहीं? इसको कहाँ देखा तूने? वो साहब वो अरे वो अपने दिमाग मत चला, जाके काम कर ले, जा उधर झाड़ू पोछा कर, चल निकल। आ जाओ, क्या हुआ बैठो। सबसे पहले ये 2000 दे दो, पैसे पूरे हैं इसमें? हाँ पैसे तो हैं, लेकिन तुमने ये मुझे क्यों पकड़ाया और इसमें पैसे क्यों थे? और पर्ची भी थी एक जिसपे यहाँ का एड्रेस लिखा। अरे वो मैं चोरी करके पैसे भाग रहा था एक लड़के के, वो मेरा पीछा कर रहा था बहुत देर से, फिर मैंने कॉपी पेन लिया जल्दी से, इसमें पर्ची बनाकर डाल दिया, अपना एड्रेस लिख दिया कि किसी को भी ये दूंगा तो फिर वो मेरे एड्रेस पे छोड़ देगा कम से कम। फिर उसने मेरी चेकिंग करी, उसको ये सब मिला नहीं और मैं बच गया, नहीं तो आज जेल में होता और पैसे भी मेरे पास नहीं होते। पर इसमें 10,000 कम है, वो क्या है ना कि मुझे 10,000 की जरूरत थी, उधार चुकाना था, तो इसमें 10,000 निकाल के उसको दे दिए। अब तुम्हारी मदद की है, इतना तो देना पड़ेगा। अच्छा मदद करिए तो 10,000 रुपए निकालिए, काम खा गए थे वो पैसे, एड्रेस इसलिए लिख के नहीं डाला था कि मेरे आधे पैसे देगी मेरे को। 10,000 रुपए जल्दी से निकाल, मुझे नहीं पता। हाँ तो क्या हो गया, अब तुम्हारी इतनी मदद की है, 10,000 रुपए तो बनते है ना उसके लिए। देख इसमें 2,20,000 रुपए थे, अब रह गए 2,10,000 रुपए, मुझे वो जरूरी चाहिए थे, किसी को देने थे, इसलिए 10,000 रुपए वापस दे जल्दी से। अच्छा तो तुमने ये पैसे आगे देने थे? मुझे क्या, मुझे 10,000 की जरूरत थी तो मैंने दे दी, अब तुम्हें इतना हो रहा तो जाओ पुलिस कंप्लेन कर दो। पुलिस को क्या बोलूं, मैंने खुद वो पैसे चुराए थे। मुझ पे इतना भड़कने की जरूरत नहीं समझे, वैसे भी वो तुम पैसे रास्ते में किसी को देकर जाते, वो वापस देता ना देता, पुलिस में जाता, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। मैं तो तुम्हें फिर भी पैसे देने आई हूँ, अब देखो ना इतने सारे पैसे देकर किसका मन नहीं फिसलेगा। मेरा भी फैसला था पर मैंने सोचा कोई बात नहीं वापस दे देती हूँ, जितने पैसों की जरूरत है उतने ही रखूंगी। हाँ तो चुराए हुए पैसों का गम क्यों नहीं होगा मुझे, वो इतनी मेहनत से चुराए थे यार मैंने वो पैसे, और इतना बड़ा घर बनाया, सब कुछ बनाया, सब चोरी की कमाई से तो बनाया। मैं कोई वो नहीं करता, बिजनेस वगैरह नहीं करता, ना मैं कोई नौकरी करता हूँ। देखो फालतू की बातें मेरे साथ मत करो समझे, वैसे भी पैसे तो चोरी के, अब चोरी के पैसों का क्या गम बनाना। साहब हाँ शिट। अरे पीछे की चुपगी मेरे। अरे हमारे यहाँ शादी से पहले ना होने वाले पति के परिवार को अपना मुंह नहीं दिखाते। क्या बकवास कर रही है, कौन होने वाला पति? तुम, मुझे तुम पसंद आ गए ना, तुमसे शादी करनी है। क्या बकवास कर रही है तू, शादी कर लूँ तेरे से, पागल हो गई है तू? अरे हाँ ना मैं सब बताऊंगी, पहले अपने ये जो भी लगते हैं इन्हें भेजो। अरे जो भी क्या लगते हैं, मेरे परिवार का तो हिस्सा नहीं है वो, तो नौकर है मेरे घर का। कैसी बातें कर रही है? क्यों नौकर, अब ठीक है अपने नौकर को भेजो अंदर। साहब ये मैडम मुझसे चुप क्यों रही, क्या बात? अरे हाँ ना देखो कैसी बातें कर रही है, खैर ये मुंह नहीं दिखाते, ऐसा कौन सा रूल है? ये तो मैंने भी सुना है कि होने वाले पति को मुंह नहीं दिखाते, लेकिन आप तो कह रही है कि होने वाले पति के परिवार को मुंह नहीं दिखाते। पता नहीं मुझसे इनको क्या दिक्कत है, मैं जब आपके पैर दबा रहा था तो भी इन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया और अब भी नहीं दिखा रही है। अरे वो मेरे से वैसे भी शादी नहीं करने वाली,
वो पता नहीं क्यों मजाक कर रही है ऐसा, मेरा तो कुछ है ही नहीं उसके साथ, ऐसे वो कुछ काम था इसीलिए आई थी, मतलब ये जूस देने आई थी मुझे, और फालतू में ऐसी बातें करने लगी। हाँ शायद डिलीवरी वाली लड़की होगी ये। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखाना चाहती है तो ना सही साहब, मैं तब तक जाले साफ कर लेता हूँ। ठीक है साहब, ठीक। चला गया। अब क्या है, क्यों बोल रही थी शादी करनी है मुझसे? मैं तुम्हें बताती हूँ ना सब। अच्छा, कहीं मैं सच में पसंद तो नहीं आ गया, शादी करना चाहती हूँ मेरे साथ? हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुमसे शादी भी करनी है। अरे वाह, सच में? मेरे को लगा सिर्फ 10,000 रुपए के लिए लड़की मिल गई। हाँ सही है सही है यार, पहले पता होता इतने सारे पैसे चुराए तुझे दे आता। इतनी माल लड़की, वैसे परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अरे वाह, फिर आज तक तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मेरे साथ रहो, यहाँ पे एक रात गुजार लो मेरे साथ, और क्या। अब मेरा मतलब शादी भी करूंगा तुम्हारे साथ, शादी भी करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। साहब चाय क्या हो? फिर छुप गए। हाँ, होने वाले परिवार को मुंह नहीं दिखाते ये सब बोलोगे ना, जाने दो। हाँ, ये मुझसे प्यार करती है और शायद शादी भी करना चाहती है। साहब अभी तो पूरे घर की सफाई पड़ी है, मैंने कुछ भी साफ नहीं किया, अभी चला जाऊं? कोई बात नहीं, काम करो, तुम जल्दी से साफ सफाई करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि फिर मैं और ये थोड़ा सा काम करेंगे, मेरा मतलब है कि बातचीत करेंगे, शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है ना। ठीक है साहब, ठीक है, मैं जाता हूँ साहब, जाता हूँ। गया बुढ़ा, अब बताओ शादी कैसे करनी है फिर? अरे दूर हटो मुझसे, कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे, वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था। क्या बकवास कर रही हो, अभी तो कह रही थी कि शादी करनी है मुझसे। अरे मजाक था वो एक, मैं तो ऐसे कह रही थी, अब तुम जैसे चोर से शादी करूंगी मैं। बकवास बंद कर अपना, तेरे चक्कर में मैंने उस नौकर को यहाँ से भगा दिया, अभी घर की आधी सफाई रह रही थी। हाँ तो मैंने कहा था भगाने को, और वैसे भी तुम जैसे चोर से शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारी रहूं। शायद तू भूल गई है कि अब तू बचेगी नहीं, मेरे चंगुल में तू फंस चुकी है, यहाँ से एक बार बाहर जाकर बता। क्या क्या ये सब? देखो मेरे साथ ये फालतू की बातें मत करो, छोड़ो। तुझे क्या लगा मैं छोड़ दूंगा तुझे? छोड़ो बिल्कुल। शिकोनारा शूट, पुलिस मतलब? तुझे एक बात बताता, ये जो घर है ये मेरा नहीं है, दरअसल मैं चोर और चोरी का काम करता हूँ, और यहाँ पे पुलिस कैसे आ गई मुझे नहीं पता। नहीं तूने तो फोन नहीं किया था ना? पागल हो क्या, मैंने थोड़ी बुलाया। अरे धीरे बोल, एक काम कर, मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, वो पुलिस वाला आएगा तो उसके सामने नाटक कर लेना कि ये घर तुम्हारा है, ठीक है? प्लीज थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो, मैं 10,000 रुपए तुमसे नहीं मांगूंगा। मैं क्यों जाऊँ, अभी तो बड़ी धमकी दे रहे थे मुझे, अब जाऊँ बताऊँ सब कुछ सच? अरे जाने दो ना प्लीज, 10,000 और लूंगी मैं। ठीक है ठीक है, 10,000 छोड़ो, तुम जितने इसमें पैसे सारे लेना, 2,20,000 पूरे रख लो, लेकिन प्लीज पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? क्या ये सारे पैसे मेरे, मतलब? हाँ चलो चलो ठीक है, जाओ तुम, मैं संभाल लूंगी। जल्द से दरवाजा खोलो, नहीं तो पुलिस वाले सोचेंगे अब तक खोला क्यों नहीं। मैं छुपता हूँ। छुपो। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो उस चोर के साथ थी। अरे कैसी बातें करे, मैं क्यों उस चोर और के साथ होंगी, मैं तो उसे जानती तक नहीं। अरे मेरा मतलब है उस चोर के पास खड़ी भी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उस चोर के साथ मिली भी थी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? अच्छा ये तुम्हारा घर है क्या? सच सच बताओ, ऐसा तो नहीं है कि तुम उस चोर को बचा रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आपको ये लगता है मैं चोर नहीं हूँ? अरे कैसी बातें करते हैं आप। अरे नहीं हो सकता है ना कि तुम उसे बचा रही हो, वैसे घर तो अच्छा है, अब घर में हम बैठने के लिए भी नहीं बोलोगी क्या? बैठिए। हाँ चाय वाय बनवा लीजिए, काफी अच्छा बना रखा वैसे घर तो। आपका अपना है? हाँ हमारा ही है। हाँ तो मैडम बताइए और क्या क्या झूठ बोलना चाहती है आप? कैसी बातें करें सर, आप कुछ भी मत बोलिए, आपके पास कोई सबूत है? देखिए अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, मेरे को अच्छे से पता है कि ये सब चोरी में आप भी उतनी गुनहगार हैं जितना कि वो लड़का था, आप ही ने तो बचाया है ना उसे। तो एक बात बताइए, वहाँ पे इतने बड़े रोड पे वो लड़का आपके पास ही आकर क्यों रुका? मुझे क्या पता वो मेरे पास क्यों आया, अब कितने सारे लोग थे उनसे पूछे ना जाकर। और एक सेकेंड, ये वही डब्बा है ना जो उस लड़के के भी हाथ में था, मेरे को बाद में याद आया, कहीं ऐसा तो नहीं उसने वो पैसे इसी के अंदर छुपा रखे थे?
लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या बात, पैसे इसमें से निकाल के कहीं और रख दिए क्या? देखा सर, मैंने तो कहा था इसमें कुछ नहीं है, आप फालतू में मुझ पर शक करते रहते। देखिए मैडम, सच सच बता दीजिए, उस टाइम तो मैं वर्दी में नहीं था, तो इसलिए ज्यादा कुछ जानकारी जुटा नहीं पाया और ना ही कुछ कर पाया। अब तो मैं वर्दी में हूँ, अब तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आपको अच्छे से पता होगा इस वर्दी की पावर। तो मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं जानती, आपको एक बार में समझ नहीं आ रही। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकता, पुलिस वाला हूँ। अगर आपने अपने घर में किसी मुजरिम को छुपा रखा होगा, आपको पता है ना मुजरिम को अपने घर में छुपाने की कितनी बड़ी सजा होती है। उसके साथ साथ आप भी जेल में जाओगी और आपको सजा लगेगी वो अलग। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए, चुपचाप बता दीजिए उसे कहाँ छुपा रखा है। मैं चुपचाप से उसे लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा और आपका इस केस में नाम तक नहीं आएगा। और अगर आपने फिर भी उसे बचाने की कोशिश करी तो आपको पता ही है, कहते हैं ना गेहूँ के साथ गुण भी पिसता है। कहीं ऐसा ना हो चोर के चक्कर में आपको भी खामा गई, अवालात की हवा खानी पड़े। नहीं ना, तो बता दीजिए कहाँ रखा है उसे अंदर। सर देखिए, मैं उसे नहीं जानती, अब आपको ये चीज माननी पड़ेगी। आप ऐसे ही नहीं मेरे घर पर आकर कुछ भी कर सकते हैं। और क्या, किस चीज की तलाशी लेंगे आप? मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ है कुछ। लगता है आप ऐसे नहीं मानेगी, मेरे को खुद ही तलाशी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। रुकिए सर, बैठिए ना मेरे पास। आप देखिए ना, आप तो कितने हैंडसम है, इतने स्मार्ट है, और आप मुझ पर ऐसे शक करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है मैडम, एकदम से आपके तो बोल ही बदल गए। अब देखिए ना, आप मुझ पर ऐसे शक कर रहे हैं, आपको क्या मैं शक्ल से चोर लगती हूँ? नहीं ना, देखो कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे घर में रहती हूँ, अब कोई चोर ये सब कर सकता है क्या? देखो मैडम, जो मर्जी कर लो, लेकिन आप मेरा ध्यान नहीं भटका सकते। हाई बात समझ में आपके, चेकिंग तो मैं करके रहूँगा। नहीं नहीं सर, मैं आपका कोई ध्यान नहीं भटका रही, मैं तो बस आपको सच्चाई बता रही थी। वैसे एक बात बताइए, आपने इससे पहले तो बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे, मतलब आपको देखकर ही लग रहा है कि आप कितने स्मार्ट हैं, दिमाग तो आप में बहुत है, आपसे ना कोई मुजरिम बच नहीं पाता होगा। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वैसे एक बात बताइए, इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हो, मतलब डर नहीं लगता यहाँ रहते हुए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगता, जब तक आप जैसे नौजवान इस पुलिस में है तब तक क्यों मुझे डर लगेगा, अब आप है ना मुझे। एक सेकंड, वहाँ पे कोई है क्या? मैंने भी किसी को देखा, ऐसा लगा कि कोई जाग रहा है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, वहाँ कौन होगा, वो तो हवा हवा से हिल रहा है। नहीं यार, मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे कोई है, सच में कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं कोई नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, छोड़िए ना, उनसे बात करिए ना। जैसे कुछ भी क्या हो, आप हो बड़ी खूबसूरत, लेकिन क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ, अभी वर्दी पहन रखी है ना। अरे प्रिंस भाई ये क्या, अब ये कौन है? पता नहीं, आप कौन है भैया? तुम लोग कौन हो? यार अनुज को भी अभी आना था क्या? अरे तो प्रिंस भाई का घर है ना। अब ये प्रिंस कौन है? बोल, मैं नहीं हूं, मेरा घर नहीं है। एक काम करता हूँ, चुप ही रहता हूँ, क्योंकि पुलिस वाला भी साथ में बैठा हुआ है, वैसे प्रिंस भाई चोरी करते हैं, क्या पता पकड़े जाए। मैडम आपने तो बोला था कि ये घर आपका है, वो ये बोल रहा है कि प्रिंस। मेरे बशन का नाम है प्रिंस, शायद उसका कोई दोस्त है। देखिए मैडम, अभी भी बोल रहा हूँ कि छुपाने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप बता दीजिए कि आखिर सच्चाई है क्या। सर मैंने आपको कितनी बार कहा, आप मानने को ही तैयार नहीं है। देखिए ना, अब उसके दोस्त भी हैं, अच्छा लगेगा कि हमारे घर में पुलिस बैठी है, अब मान जाइए ना, कितनी देर से तो आप यहाँ बैठे हैं। रहने दीजिए, आप कुछ बताएगी नहीं, मैं ऐसी से पूछ लेता हूँ। उसको क्या पता होगा सर, वो बाहर का इंसान है, दोस्त है, और वैसे भी हमारे इस केस से कोई लेना देना नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। चलो ठीक है मैडम, अब आपके चक्कर में मेरा भी टाइम यहाँ पे बर्बाद ही हो रहा है, लेकिन आप याद रखना जो भी था ना वो चोर, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलता हूँ, अगर कुछ पता चले तो बताना। बेटा चलता हूँ अभी, तो कहीं मेरे को पता ना चले कि तुम लोग चोर हो, ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। अच्छा हुआ चला गया पुलिस वाला। अब यार ये पुलिस वाला था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि ये ऐसे मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि मैंने इसके पैसे चुराए थे। शिट, ये पुलिस वाला निकला, ये क्या हो गया? शिट, अरे यार ये कौन से हो गए, बार बार आ जाते साहब।
वो मुझे पता चला पुलिस वाले आए हैं, तो मैं आ गया कि कोई दिक्कत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ वो क्या करो यार, वो साहब पता नहीं ये क्यों मुंह छुपा रहे हैं, आप साहब कहते हैं तो मैं सफाई कर देता हूँ। हाँ मतलब हो गई बात हमारी, कर ले तो घर की साफ सफाई वगैरह कर ले जब तक। ठीक है साहब। पागल पागल हो क्या तुमने, हाँ क्यों कहा? अरे प्रिंस भाई क्या हो गया, आप अपने घर में क्यों छुप रहे थे? क्या ये इनका घर है? इन्होंने तो कहा इनका घर नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, ये घर भी मेरा है और ये जो तुम्हारे पापा, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या मतलब? ये हमारे घर पे नौकर का ही काम करते हैं और आज से नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं थी ना कि क्या काम करते हैं, फिर भी तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से किया, तुम्हारी परवरिश अच्छे से की, तुम्हें बड़े कॉलेज में पढ़ाया, आज इस काबिल बनाया कि तुम्हारी नौकरी लगने वाली है। लेकिन तुमने बदले में क्या दिया? बदनामी। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। आज से कुछ दिन पहले आप और आपके पापा किसी रिश्तेदार के घर पे गए थे, उनके घर में शादी का माहौल था और आपने उनके घर के गहने और पैसे चुरा लिए ना, और बदले में क्या दिया आपने पापा को? बदनामी दी। उनके घर में सीसीटीवी कैमरा था, सब कुछ दिख गया। उन्होंने आपके पापा को वो वीडियो दिखाई जिसमें आप साफ साफ चोरी करती दिख रही थी, फिर भी आपके पापा ने कुछ नहीं कहा। सोचा कि इंसान से गलती होती है, माफ़ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से सुधर जाएगी। अब वैसे भी नौकरी लगने वाली है लड़की की, अब कुछ महीनों बाद वैसे भी शादी की बात होने वाली है, तो क्यों ही परेशान करना। तो उन्होंने वो तुम्हारा सारा खर्चा चुकाया, गांव की थोड़ी बहुत जमीन थी वो बेचनी पड़ी सिर्फ तुम्हारे कारण, लेकिन तुम्हें बताया नहीं कि जाने दो एक गलती हो गई है बेटी से माफ़ करते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में समझा कि नहीं, बच्चा जब एक गलती करे ना उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, उसे उसकी सज़ा देनी चाहिए ताकि वो दोबारा से वो दोहराए ना। फिर न जाने उसके बाद तुमने कितनी सारी चोरियां करी, कितना कुछ करा। उसके बाद जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो तुम्हारे पापा ने मेरी मदद मांगी कि साहब अब मुझसे नहीं होगा। उस दिन मैंने देखा पानी के गिलास में जहर मिला रहे थे तुम्हारे पापा, मरने जा रहे थे वो। मैंने उन्हें रोका और पूछा कि क्यों कर रहे सब, तब उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि अब जीने का क्या फ़ायदा, मेरी बेटी ने इतना सब कर चुकी है, अब वो अगर जेल चली गई तो मैं अकेला रह जाऊँगा, उसके अलावा मेरा सहारा है कौन, यहाँ पे झाड़ू पोछा मारता क्यों करता हूँ, यह सब अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ ताकि बेटी की ज़िंदगी सफल हो सके, लेकिन बेटी बदनामी करवाने में तुली है। इसीलिए आज मैंने ये सब नाटक किया, और वो पुलिस वाला वो मेरा ही दोस्त था, वो सब एक नाटक था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। और मैं इतना भी जानता था ये जो कब तुम वापस लेके आई थी ना मेरे घर में, इसमें पैसे थे ही नहीं, ये भी तुमने चुरा लिए थे। बस तुम्हें लगा कि ये भी एक चोर है, इसके घर में तो बहुत सारा पैसा होगा, और मुझे लूटने के लिए यहाँ पे आ गई। मुझे सारा प्लान पता था तुम्हारा, इसीलिए ये सब नाटक किया। और मेरे दोस्त अनुज को ये सब पता नहीं था कि हम ये सब नाटक कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा नाटक पता नहीं और कितनी देर तक चलता। कोई बात नहीं किता, तुमने जो भी किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो कैसा लगेगा, पापा की बदनामी होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन नहीं, इसमें अंकल की एक ही गलती थी कि जिस दिन तुमने फर्स्ट टाइम चोरी की थी ना उस टाइम उन्होंने तुम्हें डांटा नहीं और तुम्हें उसकी सजा नहीं दी, और वो गलती आज इतनी भारी बढ़ चुकी है कि तुम्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। इतना कुछ किया तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए, इतने दर्द है, लेकिन तुमने बदले में क्या दिया उन्हें? सिर्फ बदनामी, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हारी परवरिश अच्छे से हुई है, कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से हुई है, अब कुछ दिनों बाद जॉब लग जाती, मेहनत का कमाती, पता नहीं क्यों किया तुमने ऐसा, लेकिन जो भी किया वो बहुत गलत था। अपने पापा को धोखा दिया है तुमने, धोखे में रखा है उन्हें। देखो देर हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुमने जितने भी पैसे चुराए हैं लोगों के या जो भी किया वो सब तुम बता दो। मैं इनको अपने पापा जैसा मानता हूँ, तो मैं तुम्हारा जितना भी तुमने जिसका भी चुराया होगा मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम सुधरोगी तो। माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने आपकी इज्जत डुबा दी, जाने क्या क्या कर रही थी, कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि आपको जब ये सब पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, हमेशा सिर्फ अपनी ही सोची, अपने बारे में ही किया, पर आज जो आप लोगों ने किया इससे साफ पता चल गया मैं कितनी गलत हूँ, कितनी बुरी हूँ। मैं आगे से ये सब नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, जानती हूँ ये जो काम मैंने किया वो माफ़ी लायक नहीं है, आपको इससे बहुत ठेस पहुँची है, आपकी बेटी हूँ, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए ना। अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा अंकिता, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा,
लेकिन जब जेल से लौटोगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितना बड़ा पाप किया था। जब हमें ये पाप करते हैं ना तब लगता नहीं है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, हमें तो सिर्फ ये दिखता है कि नहीं पैसा आ रहा है चुरा लेते हैं। मुझे तुम्हारे जेल जाने से ज़्यादा तुम्हारे पापा का गम हो रहा है जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया।